सरसों फ्यूचर्स पर सेबी ने रोक लगा दी है। सेबी ने एक्सचेंज एनसीडीएक्स को आदेश दिया है कि अगले आदेश तक कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी नहीं दी जाएगी। मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट में नई पोजीशन बनाने की मंजूरी नहीं दी गई है। मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट से सिर्फ और सिर्फ निकलने की मंजूरी दी गई है और सेबी का ये जो आदेश है वो तुरंत प्रभाव से यानी कि तत्काल रूप से लागू हुआ है। तो यानी कि जो सेबी है, सेबी ने सरसों के वायदा पर रोक लगा दी है और ये जो सेबी ने एनसीडीएक्स को आदेश दिया है, इस आदेश के अनुसार सेबी द्वारा जब तक अगला आदेश एनसीडीएक्स को नहीं दिया जाता है, तब तक जो सरसों के जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उनको मंजूरी नहीं दी गई है। यानी कि मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट में जो करंट वायदा में अभी चल रहा है उसमें नई पोजीशन नहीं बनाई जा सकती, सेबी ने इसकी मंजूरी नहीं दी गई है। हालांकि सेबी ने सिर्फ ये मंजूरी दी है कि जो मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट है, जो लोग मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग कर रहे हैं वो अपने सौदे काट कर यानी कि एग्जिट लेकर निकल सकते हैं। सेबी ने इसकी मंजूरी ज़रूर दी है और सेबी का ये जो आदेश है वो अभी तुरंत प्रभाव तत्काल रूप से लागू हो गया है। तो यानी कि सेबी ने पहले चने को बैन किया था कि चने की कीमतों को काबू करने के लिए, अभी जो खबरें निकल के सामने आई थी सेबी ने पहले चने पर रोक लगाई थी और अब ठीक उसी तरह सेबी ने अब दूसरी बारी में सरसों वायदा पर रोक लगा दी है। जानकारों से मिली खबरों के मुताबिक, आपको बता दें कि उन जानकारों को अभी हाल फिलहाल में ऐसा लग रहा है कि सेबी का यह फैसला उपभोक्ताओं को त्योहारी सीजन में महंगाई से बचाने के लिए लिया गया है, क्योंकि जिस हिसाब से कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल और जो नेचुरल गैस है, जो पाइपलाइन वाली गैस हम घरों में यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनके जो दाम हैं हाल ही में लगातार बढ़ते हुए नज़र आए हैं और जिस हिसाब से महंगाई दर लगातार बढ़ती ही जा रही है और सरसों के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ये कहीं महंगाई में घी की तरह आग में घी की तरह ना काम करते हुए नज़र आए। इसकी वजह से हो सकता है कि सेबी ने यह फैसला लिया हो उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत दिलाने के लिए। जानकारों द्वारा अभी ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। हालांकि इस पर अभी कोई स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं दिया गया है किसी भी जानकार द्वारा, ये सिर्फ और सिर्फ अभी उनके द्वारा सोचा हुआ सुझाव है कि सेबी ने अभी हाल फिलहाल में ये जो फैसला लिया है ये इस वजह से लिया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।